पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, केसी त्यागी के इस्तीफा देने के बाद जदयू में जो है काफी भूचाल मच गया था। केसी त्यागी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भले ही पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम नीतीश के काफी दिग्गज नेता वो कहे जाते हैं, करीबी नेता कहे जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि केसी त्यागी इस्तीफा दे दिए हैं, तो अब उनकी नीतीश से भाव भंगिमा खत्म हो चुकी है। सीएम नीतीश से उनका जुड़ाव खत्म हो गया है। केसी त्यागी जदयू के अच्छे सलाहकार भी थे, लेकिन केसी त्यागी की जगह पर राजीव रंजन प्रसाद को तैनात किया गया। हालांकि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद केसी त्यागी ने एक विवादित बयान दिया गया है। केसी त्यागी का इस्तीफा किसी को नहीं पच रहा है। इतना विधानसभा चुनाव से पहले इतने जदयू के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता का इस्तीफा देना किसी को पच नहीं रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि केसी त्यागी का इस्तीफा देना जरूर जदयू में कोई भूचाल ला सकता है। देखिए, केसी त्यागी का बयान आपको बताते हैं। केसी त्यागी ने कहा, जदयू एक छोटी पार्टी है। हम ये तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पीएम कैंडिडेट है। हमारे 12 सांसद हैं, पीएम पद के लिए 272 सीटें चाहिए। हम उस हवा में नहीं जीते हैं। जदयू का मतलब नीतीश कुमार है। मैं सिर्फ नीतीश कुमार के लिए जदयू में हूँ, वो मेरे दोस्त और नेता है। सिर्फ उनकी चिंताएं मेरे लिए मायने रखती है। नीतीश कुमार थोड़े बदनाम हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने अपने विरोधियों से हाथ नहीं मिलाया हो। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान डीएमके सरकार गिरा दिया था। देखिए, जिस तरीके से बता दें कि ये इंटरव्यू जो है न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिया गया, इस दौरान केसी त्यागी ने ये विवादित बयान दिया है। केसी त्यागी के जदयू से अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जदयू में मानिए तो भूचाल आ गया है। कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है कि श्याम रजक की ज्वाइनिंग के साथ साथ केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। केसी त्यागी एक बहुत दिग्गज नेता है। कई मुद्दों पर उन्होंने अपने बयान रखते हैं। भले ही उस बयान में उनकी भी नाराजगी हो, लेकिन वो अपनी बयान जरूर रखते हैं। बता दें कि वो पहले भी कई बार पार्टी में इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं, लेकिन सीएम नीतीश ने इस इस्तीफे से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार वो इस्तीफा दे दिया, और ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा दिलवाया गया है, ये भी बातें सामने आई। तो केसी त्यागी ने विवादित बयान देकर अब बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। एक बड़ा बयान केसी त्यागी की तरफ से निकल कर आ गया है। जिस तरीके से ये बयान हमने आपको बताया, ये बहुत कुछ साझा करता है। केसी त्यागी का ये बयान से आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन देखिए, केसी त्यागी का ये बयान जदयू में जरूर कुछ खड़ा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।